चलो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थोड़ा सा क्लास था तो इस वजह से, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ाई करते हैं अपनी और सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। आपका बूस्टर है आज, ठीक है ना? और बूस्टर रेडी है आपके सामने, और बेस्ट से बेस्ट आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप तैयार रहिएगा अपने बेस्ट देने के लिए और अच्छे से आंसर दीजिएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर, ठंडी बहुत है आजकल। हाँ, ठंड तो बहुत हो रही है, इस समय भी ठंड अच्छी खासी है, ठीक है? चलिए, तो आप सभी जुड़ जाएं। जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी को शेयर कर दें कि भाई सर आ गए हैं, क्लास ले रहे हैं, जिससे कि और भी विद्यार्थी आ जाएं, है ना? सर, आप ठीक हो गए? मेरी तबीयत कल से खराब हो गई। अच्छा, अरे बोल रहे, टोपा लगाया करो। मैं कोई बाहर बैठ के थोड़ी क्लास लेता हूँ। हाँ भाई, मुझे वैसे टोपे से बहुत नफरत है, मैं लगाता ही नहीं टोपा, बचपन से नहीं लगाता मैं। एक जना क्या लिख रहा है कि आप बहुत क्विट हो, ये क्या होता है भाई? QUIT। चलें स्टार्ट करें। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर दीजिएगा। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, हाँ, गर्म पानी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसका आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, पता है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसका आप जवाब देंगे? अब बोला गया है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन का आंकिक मान बराबर है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कल ही बताया था, कोई भी क्यूब होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्या, 6a² और 6a² और उसके आयतन यानी कि भुजा क्यूब, उसका आंकिक मान बराबर है। यानी कि क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ए बराबर अगर 6 आ गया तो आयतन कितना हो जाएगा, 216। तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ गया, लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक बड़ा अच्छा है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप जो बूस्टर लगा रहे हो ना, इस बूस्टर से अगर मुझे नहीं पता, आप अच्छे से अगर इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो ये बूस्टर आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का समागम है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, कभी अच्छे क्वेश्चन टफ होते हैं, कभी आसान क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक कंबाइंड पैकेज है आपके लिए। तो आप बस अच्छे से समझ में आइए, कुछ समझ में नहीं आता तो आता क्यों नहीं है नुपुर, कीप प्रैक्टिसिंग, है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो अलग हो, और अलग है तो उसको सीखना है भाई। अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, अब इस क्वेश्चन के ना आने का कारण ये तो नहीं हो सकता ना कि आप उसे सीखे ना, है ना? सॉल्यूशन भी देते हैं, उससे करा करो और खुद कोशिश करो। सॉल्यूशन से हिंट लेते हैं हमेशा, जो मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं इट्स ओनली फॉर हिंट। अच्छा, ये ऐसे हो रहा है। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर मतलब ही नहीं है, है ना? फिर आप अपने तरीके से करके देखो। रोहित, मैं सॉल्यूशन भी डालता हूं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न ये है, करके बताइए।
होमवर्क में कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्यों नहीं होता? सारे के सारे सॉल्यूशन भी तो देता हूँ ना, ट्राई करा करो सेल्फ, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लिया करो कि भाई कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं हो रहा। खुद से जब करोगे ना तब जाके सीखोगे, ठीक है? चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अगर अंकित मूल्य 80 रुपए है और 5% की दो लगातार छूट है। अब लगातार छूट है तो सक्सेसिव केस लगेगा। अब सक्सेसिव केस लगता है ये हमें पता है, आप 5% की छूट दे रहे हो आप, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 20 से 19, 20 से 19 दो बार है, यानी कि आपसे मैं ये कह सकता हूँ ये 400 है और ये आपका क्या है 361 है, यही तो होगा। अब आपका 400 किसके बराबर है? 80 रुपये आपका अंकित मूल्य है, तो 1:1 कितना हो जाएगा आपके लिए? 1:1 आप देख सकते हैं कि भैया 400:1 अगर 80 रुपये है तो 1:1 आपका हो जाएगा कितना? 0.2, 0.2 हो गया। अब इसको आप गुणा कर दो बस, अब साफ साफ दिख रहा है ये तो, 36 दूनी 72.0, 72.2। तो ये आपको अपने आप आ जाएंगी चीजें जब आप करें तो। सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने करके बताएं। 0.5 नहीं होता मोहम्मद सैफुद्दीन, 0.2 आ रहा है। अब तुम छोटी छोटी चीजें गलती करोगे क्या? टाइम निकालना पड़ता है शाहिमा, टाइम सबको निकालना पड़ता है, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो भी टाइम निकालते हैं पढ़ाई के लिए, तो ट्राई इट, है ना, कोशिश करो टाइम निकालने की। चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे? वी हैव लॉट ऑफ मेथड्स टू डू, है ना। चलिए प्राची थैंक यू सो मच। हाँ, जब किसी संख्या में के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है ना, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताओ जरा, क्या होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या? 100 होगी। अब किसी संख्या में 8 का गुणा किया जाता है और उसमें 4 जोड़ा जाता है तो 100 के बराबर आ गया, तो आपका अब क्वेश्चन आसान हो गया, 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको बस छोटे छोटे लॉजिक्स क्रिएट करने हैं और आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, अगला प्रश्न क्या है ये देखिएगा, ये लीजिए आपका समय, शुरू करता हूं मैं अब, ट्राई करें। ये 30-30 सेकंड के ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको समय भी तो उसी हिसाब से मिलेगा, है ना, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे तो आराम से कर लोगे आप। वेरी गुड आंसर आ रहे हैं, चलिए चलिए। तो कैसे किया ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट ने? दो चचेरे भाइयों का योग दे रखा है आयु का 35 साल, अब 10 साल पहले का रेशो दे रखा है 2:1, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 10 साल पहले का रेशो है? इसका मतलब अगर मैं इसमें से 20 घटा दूं तो 10 साल पहले की दोनों की आयु का योग आ जाएगा जो कि कितना है 15 है। तो 3:1 आपका कितना है? 3:1 आपका 15 है, 1:1 आपका 5 है। तो हम ये कह सकते हैं 10 साल पहले पहला वाला जो भाई है वो 10 साल का होगा, दूसरा वाला जो भाई है वो 5 साल का होगा। अब हमसे वर्तमान पूछा गया है तो 10 इसमें जोड़ दीजिए और 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 और 15। तो आपका आंसर आ गया, आ गया ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर आ गया सही जवाब, ठीक है? अगला प्रश्न करके बताइएगा, अपना अपना मेथड लगाएं, जितना आप शॉर्ट सोच सकते हैं स्मार्ट सोच सकते हैं सोचिएगा, ठीक है ना, यही काम की चीज है। सर पीडीएफ कहाँ से मिलती है? पीडीएफ कहाँ से मिलती है बताइए, अपडेट मिलती है ना, अपडेट्स में मैं पीडीएफ डालता हूँ, सारे की सारी, सारे बूस्टर मैंने वहीं डाले हुए हैं और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। अंकित तो टेलर क्या डाउट है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो पहले।
वेरी गुड आंसर आ रहे हैं। अंकित एक बार उसको ट्राई किया करो, जब कोई चीज समझ में ना आए तो इतने तो आप बेवकूफ नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, सबका आंसर आ गया। तो हमेशा क्या करना होता है, ट्राई करना होता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था भाई, आपको ये डाउट हो रहा है कि 20 साल क्यों घटाया, तो आप कॉमन सेंस से सोचो कि भैया 20 साल ही तो घटेगा, 10 साल पहले ये वर्तमान दे रखा है, 10 10 साल दोनों छोटे होंगे ना, तो 20 साल घटेगा, ठीक है? फिर ये नहीं क्या होता है, आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अच्छा ये वाले डाउट इसमें नहीं आ रहा समझ में, तो ये तो आसान है, कर सकते हो। अब कोई वृत्ताकार की आंतरिक परिधि आपको दे रखी है, अब आंतरिक परिधि का मतलब समझते हो, क्या हम आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं आंतरिक परिधि दे रखी है तो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके बाहर बाहरी ओर 4 मीटर क्या है चौड़ा एक मार्ग बनाया गया है, तो मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो एक तरीके से क्या है, मैंने आपको 5 बजे वाली क्लास में पढ़ाया है, एन्युलस पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एक वलय का क्षेत्रफल क्या बताया था, पढ़ाया था ना, क्या बताया था भैया, पाई बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी, ये यही तो बताया था। तो अब आराम से सोचो कि इस प्रश्न को कैसे कर सकते हो हल। तो जैसा कि मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां पर पहला बात तो ये आ रही है कि 2 × 22/7 × r = 704 है। अगर मैं इसको 11 से काटता हूं तो 11 2 22, 11 6 66, 11 4 44, तो मैंने काटा इसको 4 से, 16 r बराबर आ गया 112, 112 आ गया। ये छोटी त्रिज्या है, ये कौन सी त्रिज्या है, छोटी त्रिज्या है। अगर मैं बड़ी त्रिज्या की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई, 4 7 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, तो 119 हो जाएगी, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 119। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यही तो काम करना है, पाई का मान 22/7 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 से 7 कट गया। आपको ये देखना है कि आपका आंसर क्या आएगा। अब मेरी बात सुनिए, ये तो आपने देख लिया, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हम इसके अलावा इसके साथ कोई और तरीका अपना सकते हैं? तो कोई और तरीका अपनाने के लिए आपको हमेशा एक चीज देखनी होती है, कभी भी कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए और आपके पास मात्र बहुत कम समय बचा हो, तो आप क्या करें, पहला काम तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो, है ना, पहला काम तो यूनिट डिजिट। क्यों, देखो दिमाग लगाना सीखो मेरे साथ, कि भाई देखो यहां पर कोई भी पॉइंट में जा रहा है क्या, ये कोई डेसिमल में जाएगा क्या आंसर, नहीं जाएगा, तो डेसिमल में तो नहीं जाएगा सर, ये साफ साफ दिख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई जीरो यहाँ दिख रहा है आपको, कोई जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। साथ के साथ में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि भाई साहब यूनिट डिजिट की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा ना, तो 80% मेंसुरेशन के क्वेश्चन में है ना, ऑप्शन जो आंसर होगा ना, वो 11 का मल्टीपल होगा। तो आपको ये देखना है कि विच वन इज मल्टीपल ऑफ 11। अब मैं जानता हूं ये नहीं हो सकता डिवाइड, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है, जी बिल्कुल ये हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है, जी बिल्कुल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इन दोनों में आप चेक कर सकते हैं, तो आप ठीक है, इन दोनों में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं यूनिट डिजिट सबसे बेस्ट मेथड है। तो आपके पास जब आप किसी क्वेश्चन को करो ना, तो पहले तो आप इसको, हाँ पहले तो आप क्या कर लो, इसको पहले तो आप इसको चेक कर लो, मेरी बात समझो, पहले तो आप इसको अपने बेसिक से करो। प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, 7 से नहीं होगा, क्योंकि 7 तो कट गया ना, तो 7 का हम भरोसा नहीं कर सकते कभी भी। देखो जरा, प्रैक्टिस जब आप करते हो ना, तो सबसे पहले बेसिक से करो, खुद का मेथड, ये खुद का होना चाहिए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को लेकर बैठ जाओ, हाँ उस क्वेश्चन को लेकर बैठ जाओ, उसको कोशिश करो कि क्या ये यूनिट डिजिट से बनेगा, क्या ये अप्रोक्सीमेशन से बन सकता है, क्या ये किसी के डिविजिबिलिटी वाले केस से आसानी से बन सकता है। तो ये मेथड डेवलप करने की कोशिश करो, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन ये मेथड डेवलप करोगे आप, और ये तभी आप डेवलप कर पाओगे जब आप छोटी छोटी चीजों को जानते हो, तभी आप टॉपर बन पाओगे। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर की तरह सोचना सीखो, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका जवाब आप मुझे देंगे।
चलिए आंसर दीजिए। चलिए वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया है। अभी नीलांजना टॉप पे हैं, सेकंड पे अजय गुप्ता हैं, तीसरे पे देव हैं। चलिए अच्छी बात है, कैसे करते हैं देखिएगा क्वेश्चन को। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात दे रखा है 5:7। तो आपको लंबाई चौड़ाई पता है क्या? नहीं, आपको सिर्फ रेशो पता है। ठीक है, अब मेरे दिमाग से सोचिएगा कि अगर आप पार्क की बात कर रहे हैं तो पार्क का जो क्षेत्रफल होगा ना वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन सी संख्या? भाई ऑब्वियस सी बात है, लंबाई इंटू चौड़ाई तो आएगा ही। सोचो, पहले क्रिएटिव सोचो कि 7 से डिविजिबल कौन सा ऑप्शन है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 चौके 28, बचे कितने हमारे पास? 4। ना, आंसर नहीं होगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 पंजे 35। ना, ये भी नहीं है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? ना। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 चौके 28, बचे 3। बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। तो फर्स्ट तरीका, जहां हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिमाग लगाना है। सर 7 क्यों? अब वही वाली बात हो गई ना। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, जब 5:7 आपको लंबाई चौड़ाई का रेशो दे रखा है तो एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगा। अब यहां हमें पता है कि भाई हमें 5x और 7x मानना है। अब सारी जो कश्मकश है, सारी जो लड़ाई है, वो x की तो है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? 55 से क्यों देखोगे भाई नुपुर? 55 से क्यों देखोगे? क्यों देखोगे? ये कोई व्रत है? कोई पाई आ रहा है यहां पर? आयत में पाई आता है? आयत में पाई आता है क्या? तो बुद्धि का उपयोग करो, जहां पाई आएगा नहीं तो वहां 11 का मल्टीपल क्यों? पांच से तो जा रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि सारे 5 से जा रहे हैं। 5 मैंने नहीं देखा, मैंने देखा 7। 7 एक ऐसा मल्टीपल हो सकता है। चलो अब इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है वो जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात है। तो मैंने लेंथ को क्या मान लिया? 5x, विड्थ को क्या मान लिया? 7x। अब बोला गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा के साथ एक आदमी 7.2 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर आपकी परिमाप होगा आयत का? बोलो, आयत का पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा एक चक्कर पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए होना चाहिए ना। चलो अब चलिए सॉल्व करिए। अब आयत क्या होगा? एक चक्कर पूरी की पूरी। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 का गुणा करूंगा। टाइम 7.2 मिनट है, अगर इसको सेकंड में बदलूंगा तो 60 का गुणा करूंगा। लेट डू इट। अब आप स्पीड, जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 720 मीटर आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस निकल गई आपकी। अब जब डिस्टेंस निकल गई है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस आपकी पेरीमीटर के बराबर है? 2 × लेंथ + विड्थ = 720। यानी कि लेंथ प्लस विड्थ कितना आ जाएगा आपका? 360। लेंथ और विड्थ कितना है? 7 और 5 = 12x। तो 12x बराबर आपका 360 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, जब x 30 आ गया तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, इनटू कर लो, आंसर आ जाएगा 315। तो ये बेसिक तरीका है, तो करिए जिसको जो भी आपको बेस्ट लगे। अब वही वाली बात हो जाती है, ये तो हमेशा काम आएगा, लेकिन 7 वाला हमेशा काम थोड़ी ना आएगा। मान के चलो दो ऑप्शन डिवाइड हो गए तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी टीचर, मैं आपको वो मेथड्स नहीं अप्लाई करवाता पहले, है ना? तो जरूरी है कि आप इस चीज को जाने, हालांकि पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे। टाइम लग जाता है सर जी? अरे टाइम तब लगता है जब पहली बार करते हैं कोई भी चीज। ये बात दिमाग में बैठा लो, और अगर ये इंप्लीमेंट करना है तो खुद के साथ सोचो कि कभी भी कोई चीज फर्स्ट टाइम होती है ना, जब आप शुरू में रोटी भी बनाते थे ना तो भी टाइम लगता था। लेकिन मम्मी से पूछना कि पहले जो मम्मी रोटी बनाती थी जब फर्स्ट टाइम घर में आई थी, तब वो आधे एक घंटा 2 घंटा लेती थी, लेकिन अब वो 10 मिनट में निपटा के खिला खिलू के चले जाती है घूमने। तो बात वही होती है कि प्रैक्टिस। अब चाहे वो रोटी बनाना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो मैथ सॉल्व करना हो,
हमेशा प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो आप डरे ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आसान होती चली जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने, आंसर देंगे आप। परसेंटेज में बहुत दिक्कत तो होती है, क्या करें प्लीज, कोई सॉल्यूशन बताएं। देखो फिर वही वाली बात बेवकूफ वाली, सर हमें दिक्कत होती है परसेंटेज में। अरे दिक्कत पता है तो उसका सॉल्यूशन भी तो वही है कि पढ़ो, बिना पढ़े तो नहीं होगा भाई। अपने आप को मोटिवेटेड रखो और लाइफ में हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। अगर आप हारने के लिए तैयार हो तो कोई इशू नहीं है, मत सीखो। रोने से काम नहीं चलेगा, बस साफ बात यह है, रोना कोई नहीं देखेगा तुम्हारा लाइफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है एक वस्तु को, अगर इस कीमत को 60% पर बेचा जाता तो 35% की हानि होती। अब आप लोग मुझे बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अब मुझे पता है क्या कितने पर बेचा जा रहा है? नहीं पता ना, मैं आपसे कह सकता हूं। आप देखो बिल्कुल दो तरीके से करेंगे, रेशो से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचा करो कि मुझे कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने मान लिया 100, मैं 100 क्यों मानता हूं, 100 एक ऐसा चीज होता है जिससे कि परसेंटेज आसान होता है निकालना। मुझे बोला गया कि मैं एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो मैंने उस निश्चित मूल्य को 100 मान लिया मेरे दोस्तों। अब बोला गया है अगर इसे 60% पर बेचा जाए तो, यानी कि आपका नया एसपी कितना है, 60 है, तो नया एसपी आपका 60 है तो 35% की हानि होती है। तो जब आप 60 पर बेच रहे हो ना तो आपको लॉस हो रहा है कितना, 35% का। तो क्या आप यहां से सीपी निकाल सकते हो भाई? देखो लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक काम करेगा हमेशा। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकाल सकते हो ना, बोलो। तो सीपी कितना आ जाएगा सर? सीपी निकालना आसान है हमारे लिए क्योंकि हम जानते हैं कि 65% बराबर 60 हो जाएगा और 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 60/65 × 100। कोई दिक्कत, काटा पीटी करनी है तो कर लो, लेकिन मैं अभी विश्वास नहीं रखता। अब मेरे को ये क्या निकल कर आ गया, मेरा ये सीपी निकल कर आ गया 6,000/65। आया ना, बोलो आया ना, बोलो। देखो आसान करूंगा, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। अब बोला गया लाभ प्रतिशत बताइए, प्रतिशत लाभ बताइए। अब आप मुझे बताओ, आप किसी चीज को 60 में बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है या हानि हो रही है, बताओ आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है 60 में बेच रहे हो तो आपसे यही तो पूछा गया कि अगर आप 100 में बेचोगे तो क्या हो रहा है। तो आपका जो ये डिनोमिनेटर होता है ना, आप बस इसको इधर जाके गुणा कर दिया करो, यानी कि आपको प्रॉफिट, सीपी आपका 6,000 है, एसपी आपका 6,500 है, 500 का आपने प्रॉफिट जनरेट किया, 6,000/100 आपका आंसर आ चुका है, आपके सामने है 25/3। सिंपल लॉजिक था, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, इसको कैलकुलेशन नहीं कहते, पहली बता दूं बात आपको मैं, ठीक है? अब बताओ कोई दिक्कत हो तो। 65 का मूल क्यों, 65 का मूल क्यों रजनीश, मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आई भाई। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना तो करना पड़ेगा कि भाई जब इस पर लॉस हुआ है ना भाई, 60 में बेचने पर लॉस हुआ है तो सीपी तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है ना, सीपी तो सबके लिए बराबर है, सीपी के लिए तो कोई छोटा है या कोई बड़ा नहीं। सर 65 क्यों मल्टीप्ल 65 को मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे सॉल्व करने के लिए, जब आप जब मान के चलो एसपी ये है तो डिनोमिनेटर जो होता है ना उसको इधर कर लेते हैं क्योंकि रेशो ही तो है एक तरीके से, है ना, रेशो ही तो बनाना होता है। आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को, नीचे वाले डिनोमिनेटर को इधर कर लेते हैं, तो ये आपका एसपी बन गया और ये आपका सीपी बन गया। ये कैलकुलेशन का तरीका होता है दोस्तों, ठीक है? समझ में आ गया वो सर 65 कहां से आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप पहले परसेंटेज पढ़ो या फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ो बेसिक से, तब आएगा। अब तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो फिर बूस्टर का क्या मतलब रह गया तुम्हारे लिए भाई। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न,
कैसे करेंगे? देखिए, कोई व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर में 5 वर्ष में दुगना हो जाती है, कोई राशि किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की दर बताइए क्या है? ठीक है, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आप रेट निकाल सकते हो? मैं डायरेक्टली रेट निकाल पाऊंगा। देखो, 5 वर्ष में दुगना हो रहा है ना, यानी कि क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये 1/5 हो गया डायरेक्टली इंटू 120%। अब पता होना चाहिए, अब जिनको नहीं पता है वो तो कहेंगे सर कैसे निकालते हो आप। अब किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, अब अन्य दर 3 गुना हो रहा है यानी कि 2/12 इंटू 100, तो ये हो रही है कितनी अपनी 16, सही 2/3, 1/6 तो है। तो आपसे बोला है कम कौन सी है, कम है 16 सही 2/3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। बस ये अब निकालना आना चाहिए। अगला प्रश्न, तो ये पढ़ के आएगा सब चीजें, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप करके बताएंगे मुझे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सोचना स्टार्ट करो। जब तक आप सोचना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। चलिए, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात को आप कान खोलकर सुनिएगा। कभी भी आपसे बोला जाए कि रूट एक्स, तो ये जो एक्स है ना, अपने आप ही ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो लेट्स मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, कि ये जो लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर तो है किसी का, उससे क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ कैसे पहचानोगे, कैसे करोगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि इसको हम लिख सकते हैं 2ab, लिख सकते हैं 2ab। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि 2, अगर ये a है तो एक हमारा b हो जाएगा? बोलो, एक तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है। एक पॉसिबिलिटी आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो ऐसे कर रहे हो, आपको कैसे पता? तो मैं कहता हूं 2 एक तरफ ले लेता हूं और ये ले लेता हूं। अब सोचना कि मैं कैसे बनाता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे मैं खुद पूछना चाहता हूं कि आप क्रिएटिविटी कब लाओगे, ये पूछ रहा हूं। कि ये तेरा क्या है, कोई बताएगा मेरे को ये तेरा कैसे बना होगा? कोई बताएगा, किसी कोई लगा सकता है दिमाग तेरा कैसे बना होगा? ये सर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है भाई। अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें मैं ए और बी अगर ये लेता हूं तो क्या 13 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या मैं इसमें ले रहा हूं तो बन रहा है, ये आ रहा है 4 और ये 3, नहीं बन रहा। तो ये वाला केस ना लेते हुए मैं ये वाला केस लूंगा और मुझे पता लग गया कि मेरा ए क्या है, 2√3 माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब हम जानते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स है, तो इसके अंदर जगह अगर मैं इसको पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2√3 − 1 प्लस 11 अपॉन 2√3 − 1। अब जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो 2√3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, ऊपर नीचे गुणा करे तो नीचे से क्या आ रहा है, 2√3 − 1 प्लस 11, नीचे भी 11 आ गया और ऊपर आ रहा है 2√3 + 1। 11 से 11 गया, प्लस 1 से माइनस 1 चला गया, आपका आंसर आ गया 4√3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, एग्जाम में आ सकता है। कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं। सर दोनों साइड रूट कर सकते हैं, दोनों साइड रूट कर सकते हैं,
समझे नहीं, क्यों करेंगे दोनों साइड? जब मैंने बताया ना कि कभी भी अगर एक्स रूट के अंदर आ जाए तो ये एक्स ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसको कन्वर्ट करो ना परफेक्ट स्क्वायर में। हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, हमें एक रास्ता निकालना है जिससे कि हम एग्जाम में प्रश्नों को एक बार में कर सकें। भाई आप क्या सोचते हो, एग्जाम में पेपर कैसे होता है? एग्जाम पेपर तभी, आप एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने कभी भी नहीं जाते, ध्यान रखना। अगर आप एग्जाम में जाओगे ना तो एक्सपेरिमेंट करने का कोई टाइम नहीं है। कुछ नया देखा आपको नहीं आता तो उसको छोड़ो। आप ये नहीं है कि वहां बैठ गए मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, वहां ऐसा नहीं सोचना है। वहां पता है क्या होना है, वहां पर जो आता है ना वो सोचना है, जो हमने किया हुआ है वो सोचना है। प्रकाश सिंह बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम होती है, उस लेवल पे कैसे सोचें? क्या प्रॉब्लम हुई? आपको एक सटीक तरीका बताया गया, ठीक है, कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी करो, तो यही तो करना पड़ेगा। इसको आपको 2ab में कन्वर्ट करना है, टू तो आपको अलग ले लेना है, और ए बी आपका 2√3 हो सकता है या फिर 2 और √3 हो सकता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, दो और रूट तीन क्यों नहीं हुआ? बताया हुआ है गोपाल, क्यों नहीं हुआ? दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा, बताओ मेरे को। आपने पता है क्यों नहीं हुआ? बताया था ना मैंने, सुना? दो और रूट तीन क्यों नहीं हुआ? नहीं सुना? कहाँ रहते हो फिर तुम भाई? सुनना दोबारा, पता लगेगा फिर। क्या बोला गया है भाई? छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपये की राशि 40% की रेट पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब आप लोग मुझे बताओ कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इसके कितने मेथड निकाल सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप अर्धवार्षिक निकाल रहे हो, 6-6 महीने की रेट निकाल रहे हो, तो 18 महीने में आपके टाइम कितना हो जाएगा? 3 साल, पहली बात तो। और आपकी रेट कितनी हो जाएगी? रेट आधी हो जाएगी, यानी कि 20%। आपसे क्या बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं। 18,500 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है? 18,500 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है? आपकी रेट कितनी है? 20% है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो? बहुत सारे तरीके हमारे पास, मैं बताता हूँ। देखो क्या आपका जो लेटेस्ट तरीका क्या होगा। मैं इसको अगर 1/5 मानता हूँ, 1/5 ही है, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाइंग मेथड वाले तरीके से कर सकता हूँ? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये इजी होगा, हम इसमें यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, 18,500 इंटू 1/5 कितना आया? मैं प्रिंसिपल ले लिया, 5 या 15 बचे, कितने हमारे पास? 3, 5, 7, 35, 3700 आया। 3700 का फिर आप 1/3 करो, 1/5 करोगे तो कितना आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करो, तो हम यहाँ कह सकते हैं 740 आ रहा है। सर ये तो बहुत आसान हो गया। और 740 का अगर मैं 1/5 से करूंगा तो कितना आ रहा है? 74 दूनी 148। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा भाई? हम जानते हैं, चाहे हम कितना भी 3 का मल्टीप्लाई कर लें, कितना भी 3 का मल्टीप्लाई कर लें, और 1 तो यहाँ करना पड़ेगा ना, तो हम जानते हैं भैया 0 तो यहाँ पर आ ही रहे हैं। इसका 0 यूनिट डिजिट, इसका 0 यूनिट डिजिट, इसका 8 यूनिट डिजिट। तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो 8 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। तो आपको ऐसे करना है। और ये भी बहुत आसान तरीका है, अगर आप जोड़ने की इच्छा रखते हैं तो इसको 3, 3, 1 से मल्टीप्लाई करके आराम से जोड़ लें, आंसर आ जाएगा। तो बी स्मार्ट है ना, थोड़ा स्मार्ट बनना है, थोड़ा चीजें अच्छी करनी है, अपने आप सारी चीजें आसान हो जाएंगी। सर 5 का क्यूब करते हैं ना, 5 का क्यूब करते हैं ना। संजय
या तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम क्या क्या बताऊं तुम्हें अब मैं। 5 का क्यूब तब करते हैं जब हमें प्रिंसिपल ना गिवन हो, है ना। बात आपकी ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां मैंने मल्टीप्लाइंग लगाया है, तो आप प्रिंसिपल को लेके चलो ना जो आपको दे रखा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब हमें प्रिंसिपल ना दिया गया हो तो हम ऐसा कुछ करेंगे। चलिए, ट्री मेथड से भी आसान होता है मल्टीप्लाइंग जब भी हमारे पास परफेक्ट निकालना हो। चलिए, इसका आंसर आप देंगे मुझे और सही आंसर दें। 30 सेकंड का क्वेश्चन है। सात सौ चौपन, 4 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब कभी भी 4 का डिवाइड करो ना, तो आप यहां देख लिया करो कि वो लास्ट के 2 डिजिट का जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है प्लस का 2, तो 7 का जो स्क्वायर होगा वो 9 आपका आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट, ठीक है। अर्नव, क्या समझ में नहीं आया? अगर अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना अर्नव, तो प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम आपके बेसिक्स में है। आपने थ्योरी कभी अच्छे से नहीं पढ़ी मेरे द्वारा, ठीक है, क्लियर है। 4 का ही क्यों करते हैं? सब रीजन बताया था रजनेश, मैंने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है ना आपको, कुछ दिन पहले मैंने नंबर सिस्टम का एक बैच लिया था, वो शायद बेस्ट नंबर सिस्टम था इस दुनिया का। जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं जिनको पता है, वो सब इसका रीजन जानते हैं वाई मैं डिवाइड करता हूँ 4 का, क्योंकि साइक्लिसिटी होती है। 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 9 होता है, यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आप ये जानते हैं, 49 को लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 343। और 7 की पावर 4 ये होता है 2401 आई थिंक सो। लेकिन 7 की पावर 5 करता हूं ना, फिर से हमारा यूनिट डिजिट 7 स्टार्ट होता है, ठीक है। 7 की पावर 6 करता हूं, फिर से मेरा यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, तो रिपीटेशन हो जाता है 4 के बाद, तो साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। चलिए, हमने यूट्यूब आधा था, नंबर सिस्टम बेस्ट है, यहाँ वाला बेस्ट है नंबर सिस्टम। YouTube पे तो मैंने रेलवे का पढ़ाया है, यहाँ पर मैंने आपको कैट मैट सेट जो भी एग्जाम होते हैं, हाई लेवल नंबर सिस्टम मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है। हाँ, APGP है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने, इस पे कोर्स है, वो जाकर देखो। चलिए, टाइम सब करते हैं, तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए, x-1 और x+3 x² + ab + b के गुणनखंड हैं, तो क्रमशः a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि x-1 इसमें पुट कर देते हैं, x=1 को, यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आएगी, वो क्या आएगी, 1 + a + b। अब गुणनखंड है तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो a + b = -1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? a + b = -1 इसमें नहीं आ रहा, a + b = -1 इसमें भी नहीं आ रहा,
ए प्लस बी बराबर माइनस वन इसमें भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। तो एक इक्वेशन से कर सकते हो, डबल इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो इक्वेशन बनानी है तो आप एक्स बराबर माइनस थ्री भी पुट कर दो इसमें, तो एक और इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्या आ जाएगी, नाइन माइनस थ्री ए प्लस बी बराबर जीरो। तो क्या हो जाएगा, बी थ्री ए माइनस बी बराबर नाइन। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मैं दो हो गया हूँ, मतलब क्या है मनीषा पांडे, समझा नहीं मैं। चलिए कैसे करेंगे, कुछ दर पर कोई रेट है, कुछ दर पर 10 वर्षों के बाद का साधारण ब्याज एक निश्चित राशि पर 600 रुपये होगा, यदि मूलधन 5 साल के बाद 3 गुना हो जाता है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं, 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज एक निश्चित राशि पर 600 रुपये होगा, साधारण ब्याज होगा, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 10 साल का 600 है तो 1 साल का साधारण ब्याज विल बी 60 रुपीज ओनली, ठीक है। अब 5 साल के बाद 3 गुना हो जाता है, मूलधन 5 साल के बाद 3 गुना हो जाता है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि यदि कुछ दर पर यदि मूलधन 5 साल के बाद 3 गुना हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा। तो लेट सपोज कि भैया आपसे मैं ये कह सकता हूं, साधारण ब्याज 1 साल का 60 है, 5 साल का इतना हो जाएगा, प्लस फिर 5 साल के बाद क्या हो गया, मूलधन इतना हो जाएगा ना, हर 3 गुना हो जाएगा, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा 5 साल के लिए, काम खत्म। तो कितना आ गया, 300 और 900, 1200। बात समझ में आ रही है क्या। मैं दोबारा से बोलता हूं कि भाई कभी भी आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, पेपर में आ सकता है। दोबारा से सुनिएगा भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरा मूलधन अगर दुगना हो गया तो ब्याज भी तो दुगना होगा, कॉन्सेप्ट समझो, मूलधन दुगना हो गया ब्याज भी दुगना हो जाएगा, हो गई वो तो। मूलधन अगर 3 गुना हो गया तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, मूलधन अगर 10 गुना हो गया तो ब्याज भी 10 गुना हो जाएगा। सेम काम यहां पर हुआ है, आपको क्या निकालना है, 10वें वर्ष के अंत में ब्याज कुल ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहां आप मुझे बताइए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 60 रुपये हर साल का है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 300, तो यहां से आ रहा है 5 साल का, तो ये हो गया, ठीक है। अब 5 साल के बाद क्या हुआ था बताओ, ये तो सीआई में होता है ना प्रकाश सिंह, क्या होता है सीआई में, कौन सी बात कहाँ रिलेट करते हो तुम यार, मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें होश ही नहीं है ना। बोला क्या गया है, ये सोचा करो, ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है, तभी हम इक्वल इक्वल मान रहे हैं। एसआई में ही हर साल का ब्याज, 5 साल का तो ब्याज ये हो गया, 5 साल के बाद आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, तो आपका ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो गया, तो ब्याज आपका 5 से गुना कर दो। चलिए अरुण कुमार कह रहे हैं, सर मैंने अनअकैडमी पे न्यू ज्वाइन किया हूं, क्या मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अरुण ये आपका डाउट है ना, इसका आंसर ये है, अगर आप करना चाहोगे तो, अगर आप करना ही नहीं चाहोगे तो ये थोड़ी ना है कि अनअकैडमी पर आते ही हो जाएगा, बस पढ़ना पड़ता है, अपना टाइम टेबल बनाओ, और उनकी क्लासेस रेगुलर लो, पुरानी वीडियोस देखो जो रिकॉर्डेड हैं, टॉपिक ढूंढ ढूंढ कर, तब होता है काम। तो ये एक प्लानिंग होती है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो एक अच्छे मैनेजर भी बनो, खुद को मैनेज तो करो कम से कम, ठीक है। तो एक अच्छे मैनेज करना सीखो अपने आप को कि मुझे क्या करना है, और डिसीजन खुद लेना सीखो कि क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपकी वीकनेस है। अगर आप खुद डिसीजन लोगे ना
तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टीचर नहीं जानता कि आप कितने पानी में हो, आप खुद जितना ज्यादा जानते हो अपने आप को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिए मुझे। चलिए कैसे करेंगे, दो क्रमागत सम संख्याओं का मैसेप ज्ञात करें। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, देखिएगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का, यानी कि दो सम संख्याएं होनी चाहिए वो भी क्रमागत। तो क्या हम ये कह सकते हैं, दो चार ले लो या फिर चार छह ले लो। अब इनका एससीएफ तो हमेशा दो ही आएगा ना, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर जो इनमें कॉमन है वो दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर देंगे आप मुझे। चलिए जल्दी से दीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट का रेशो, इन्वेस्टमेंट है तो इसका रेशो निकाल लो पहले। तो मैं 5 से काटूंगा 7 बार, 5 से काटूंगा 9 बार, 5 से काटूंगा 11 बार। यहाँ कितना आ रहा है मेरा सम, कितना आ रहा है रेशो का, रेशो का जो सम आ रहा है 20 और 27 आ रहा है, 27 मेरा क्या आ रहा है सम निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि भैया यही जो आपका इन्वेस्टमेंट है यही आपके लाभ के बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, 27 रेशो बराबर आपको देखना है 405, इसके जीरो कर दीजिए और ये हो जाएगा 1 रेशो बराबर, कितना हो रहा है ये हो जाएगा 1 रेशो बराबर 27 एकम 27, बचे अपने सामने 13 135 यानी कि 1500। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न करके बताइए, ये क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके हैं। स्किप स्किप, तुम पढ़ नहीं रहे हो पता है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। जो भी स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हम छोड़ दें, अब मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, जब जब खत्म हो जाएगा ना वहां पर तब सर ज्योमेट्री पढ़ाओ, सर ज्योमेट्री नहीं आती, सर एडवांस मैथ नहीं आती, तुम ये इंसान हो तुम लोग, समय निकल रहा है तुम्हारा बहुत तेजी से, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो फिर भी। चलो याद नहीं था, ट्राई करना होता है ना, तो ट्राई कैसे करेंगे, सबसे पहले कभी भी ऐसा लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करो जिससे कि आपको आसान लगने लगे क्वेश्चन। अब ये देखो यहां पर क्या बोला गया है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये ए बी और डी ई आपस में क्या है आपके समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा है ना, और किन्हीं दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे, तो आप ये सब लोग जानते हैं किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो क्या क्या होता है ये सब बताए मुझे। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाला एंगल मेरा 7x हो जाएगा, बोलो हो जाएगा,
7x हो जाएगा। नहीं, ये वाला एंगल मेरा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 7x होगा। क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 7x किसकी? बस अभी और भी हैं लगातार, तो बाद में दोबारा बजे ठीक है। ये वैसे भी मुझे उस पे लगाना थिंक पैड पे नेक्स्ट क्लास। चलिए तो देखिएगा सर, 3x नहीं होगा क्या? आउटसाइड वाला 7x। अच्छा 3x हो, क्या कह रहे हो? अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दिमाग लगा लो, तो दिमाग लगा लो। ये मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को सुन लो आप। ये सही, बिल्कुल सोचना बिल्कुल सही है, ठीक है? बिल्कुल सोचना आपका सही है कि मैं यहाँ पर 3x भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बस खुश। तो बात वही होने वाली है, ये 3x ही तो जो है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 7x माइनस 130, 180, 180 माइनस 7x के बराबर ही तो होगा। ये किसके बराबर होगा? ये 180 माइनस 7x के बराबर ही तो होगा। अब ये पूछो कि 180 माइनस 7x कहां से आया? पूछो पूछो। तो यहां से जो 10x आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 18 डिग्री, x 180 डिग्री, और x बराबर आ जाएगा 18 डिग्री। तो आपसे क्या बोला गया है, इसका पूर्ण संपूरक कोण क्या होगा? तो इसका संपूरक कोण क्या होता है, हम ये जानते हैं, 162। 3x कैसे, 3x कैसे, 7x, 180 माइनस 7x। अच्छा ज्योमेट्री कौन देख रहा है 11 बजे? ज्योमेट्री जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या ये वेस्ट है? बोलो, क्या ये वेस्ट है? ज्योमेट्री जो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी नहीं पढ़ोगे फिर कब पढ़ोगे ये बताओ। जिनको नहीं आया, किन किन को नहीं आया, मैं बहुत गुस्सा हूं आप सभी से। फिर मुझसे मत कहना सर हम पढ़ते नहीं है, सर सिलेक्शन चाहिए। किसको चाहिए ऐसे सिलेक्शन? ऐसे नहीं होगा। जाकर आज ही ज्योमेट्री देखो, टाइम निकालो, चाहे 10 घंटे पढ़ना पड़े, मुझे नहीं मतलब इस चीज से, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना? पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज मैं वहां पढ़ा चुका हूं, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया, ठीक है? तो चलिए, तो सारी चीजें आप यहां देखिए, मैं बता 10 बार दूंगा तुम्हें, मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा, लेकिन जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी ना, तो आप मेरे पे ही प्रश्न उठाओगे, सर प्रॉपर्टी कहां से आ गई? तो ये सब चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं ऑलरेडी। और अगर चलो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया, चलो ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर 5 बजे वाली क्लास में भी पढ़ाया है, तो आप क्यों लापरवाही कर रहे हो फिर? सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मैं नहीं बताऊंगा अबे ना, आप एक बार ट्राई करना, और अब लापरवाही करोगे तो फिर नहीं आएगा भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले सीखोगे तभी तो करोगे ना। तो ये एक प्रॉपर्टी से ना तो ज्योमेट्री समझ में आने वाली है आपको, तो पहले पढ़ो अच्छे से, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा इसको, सॉरी। क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता, पढ़ोगे तब बनता है भाई, ऐसे नहीं बनता। इस क्वेश्चन को करो, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बोल रहा है ज्योमेट्री का क्लास लो, पता है ज्योमेट्री का क्लास चल रहा है, समय निकालना पड़ता है दिलीप सर। हाँ समय निकालना पड़ता है, आप समय को मतलब कोसो मत, है ना? आप किसी को कोस नहीं सकते कि भाई मेरे को समय नहीं है, तो फिर कुछ बात नहीं है, फिर पढ़ाई भी ना करनी चाहिए, मतलब नहीं है। समय निकालो, रात को देखो, दिन में देखो, आई डोंट केयर, बस देखो। चलो देखिए, जीतू ट्राई ट्राई करते रहो, हो जाएगा। क्या होता है देखो, सिंपल है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है। ये क्या है, ये 4 दुनिया 8 और एक 9/4 है ना, 4 दुनिया 8, 9/4। अब ये 1 के नीचे है तो ये उल्टा हो जाता है 4/9,
अब 9 का 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13/9 है ना, तो ये हो जाएगा 9/13, और 3 यहाँ पर है तो 13 3 39 और 9 48/13, कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका है, इसको आप चूज कर लीजिए, फिर लीडर बोर्ड भी देख लीजिए। ठीक है, संजय तुम कोचिंग भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ते हो, एक एक चीज को समझो ना, आपको करना क्या है, आप इतना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा पढ़ाई करो जो आपको लेटेस्ट पैटर्न मिल रहा है उस पे। चलो तो आशीष जोशी टॉप पर हैं, दूसरे स्थान पर किशन मीणा, राजकिशोर, प्रियंका, रणदीप, राम तिवारी, देव, रविता, औरम, अजय। ठीक है, कल का ऐसे नहीं दिखता इमरान, क्लास खत्म हो गई, लीडर बोर्ड खत्म हो गया, कल का कहां से लाऊं लीडर बोर्ड। चलो तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, आसान है, इनके सभी के मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, ट्राई करिएगा, सारे हो जाएंगे, सॉल्यूशन भी डाल रहा हूँ, ये फाइल भी डाल रहा हूँ। ठीक है, कल मिलूंगा आपसे मैं, कल भी आपकी क्लास है, चलिएगा, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।